झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़। पिछले कुछ दिन से रांची टाउन एरिया में और सुदूरवर्ती थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी और ये बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से चोरी की जा रही थी। चोरी के उपरांत कोई क्लू नहीं होना, कोई ट्रैक नहीं होना, कोई एविडेंस नहीं छोड़ना और एक के बाद एक लगातार चोरी की घटना ने नए सिरे से चिंतन करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सिटी साहब के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम फ्रेम किया गया था जिसमें SDPO सदर प्रभात जी, DSP हेडक्वार्टर 1 नीरज जी, इंस्पेक्टर ब्रिज कुमार, थाना प्रभारी विपुल, थाना प्रभारी सदर श्याम जी, इनके PSI अभिजीत और विपुल, विकास और टेक्सेल की टीम थे और इन लोगों ने बहुत ही गहनता और बहुत ही टेक्निकली और मानवीय इनपुट के आधार पे एक अच्छा काम करते हुए एक गैंग का पर्दाफाश किया, जो गैंग बेसिकली यहाँ से हटके रामगढ़ के एक्सिस में ये लोग वहीं के रहने वाले थे और इन लोगों का मोडस ऑपरेंडा इस तरह से था कि ये लोग जो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे एक यंत्र के माध्यम से विभिन्न घरों का रेकी किया करते थे कि कौन सा घर खाली है, कौन सा में लोग है, किस में लोग नहीं है, किस में वृद्ध आदमी है, किस में लेडीज हैं, किस में से क्या एक्सिस है, क्या अप्रोच रूट है, कहाँ से सीसीटीवी कैमरा है, कहाँ पे नहीं है। दिन भर या चाकू की धार को तेज करने वाले इस यंत्र के सहारे विभिन्न घरों का मुआयना करते थे, रेकी करते थे और बाद में कि ये लोग जाके वहाँ पे इस इनपुट को जो दूसरा था एक्शन वाली टीम जो चोरी करते थे उसको ब्रीफ करता था कि फल्ला मोहल्ले में फल्ला घर नंबर है, वहाँ पे आप जाओगे तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, और दूसरी टीम के द्वारा चोरी किया जाता था। तो कुल मिला के अभी इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया है और अभी इसके 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। कुल मिला के गैंग में 9 लोग हैं और इसके अलावा 2-3 जो हैं जो बाहर सपोर्ट कर रहा था रेकी करने में। 9 लोगों में 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जिनके पास से आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे सामानों की बरामदगी हुई है जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर के आइटम हैं, साथ ही बाइक और भी जो बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे आप सामने रखे हुए हैं। अभी तक इस लोगों की अरेस्टिंग और इनकी कन्फेशन के आधार पे रांची जिला में पिछले 2 महीने में जो चोरी के कांड हुए थे उसमें से 16 मामले का पर्दाफाश किया गया है। अभी चूंकि इसमें और कुछ लोगों की अरेस्टिंग बची हुई है इसलिए संपूर्ण वृतांत हमने सुनाएंगे अभी आपको जब तक कि हम लोग लास्ट अरेस्टिंग इसमें ना हो जाए। कुल मिला के एक ब्लाइंड जो एक था एक यूनो क्योस्क था कि चोरी लगातार हो रही है तो सिटी साहब के नेतृत्व में और DSP साहब लोगों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कांड का उद्भेदन हुआ है जिसके लिए हम सभी लोग इन लोग बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।